अच्छा एक लड़का पढ़ता है ठीक, एक लड़का क्या करता है पढ़ता है, एक लड़का लगातार पढ़ते रहता है, तो दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा उठो लड़का जानते हो निरंतर पढ़ते रहता है, एक लड़का क्या है कुछ देर पढ़ा थोड़ा सा खैनी खाया फिर पढ़ने के लिए बैठा, मतलब दालमोट खाया रे दालमोट खाया फिर पढ़ने के लिए बैठा, फिर दालमोट खाया फिर पढ़ने के लिए बैठा, तो वो क्या कर रहा है कि कुछ देर पढ़ा, है देखो इस फंक्शन को समझिए, वो क्या कर रहा है कुछ देर पढ़ा फिर है देखो अब ये रुक गया थोड़ा देर, फिर कुछ देर पढ़ा फिर रुक गया फिर कुछ देर पढ़ा, यही ना कर रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या हो रहा है देखो तो अपने जगह से बढ़ रहा है धीरे धीरे, इस जगह क्या हुआ एक निश्चित बिंदु पर रुक गई है फलन, फिर थोड़ा 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 करके बढ़ा फिर रुका हुआ स्थिर है फिर है वैसे चला गया, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वर्धमान फलन, क्या बोलते हैं वर्धमान फलन, वर्धमान फलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंग्लिश में इसको क्या बोलिएगा इंक्रीजिंग, आप लिखेंगे समझिएगा फंक्शन है, इसको देखिएगा ईट लड़का पढ़ने बैठा है ना एकदम कंटिन्यू पढ़ ही रहा है देखो एकदम कहीं रुक नहीं रहा है धीरे धीरे पढ़ ही रहा है, इसको क्या कहेंगे निरंतर पढ़ता है ये, मतलब ईट लड़का है निरंतर बेचारा पढ़ते रहता है फर्स्ट डिवीजन करेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान है देखो ना पढ़ ही रहा है ना, अच्छा इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां फलन लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा फंक्शन, देखो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब निरंतर वर्धमान फलन, ये ठीक है इधर देखिएगा इस फंक्शन को देखिएगा ना, है देखो एकदम नहीं कहते हो अरे दसवां में कितना तेज था पढ़ने में लेकिन इंटर में आते आते वो कुछ और चक्कर में फंस गया बस कहानी उसका खत्म हो गया, तो वही हो गया ये है देखो दसवां में कुछ और का मतलब समझे मतलब गलत संगति में पड़ गया, है देखो ये इस जगह दसवां में एकदम टॉप फ्लोर पर है ये, अब देखो जैसे इंटर में आया धीरे धीरे ये ससरा इसका रुका हुआ भी है ये समझ रहा है नहीं पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, फिर दोस्त फोन करता है आओ ना चलेंगे उधर प्लेटफॉर्म पर घूमने बाजार घूमने, ये मन में अभी देखो रुक के सोच रहा है कि नहीं हमको पढ़ना है हम दसवां में यहाँ पर थे और अभी यहाँ आ गए, लेकिन जैसे दोस्त का फोन आता है चलो घूमने के लिए कितना पढ़ेगा तो लास्ट में दो महीना पढ़ेंगे सेकेंड डिवीजन कर लिए जाएंगे, यो बात मान लेता है है देखो फिर धीरे 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 ससरा फिर इसको माइंड कहता है कि नहीं तुम पढ़ो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, पढ़ने के लिए देखो इस जगह स्थिर हुआ ना, लेकिन फिर क्या कहता है दोस्त फिर कॉल करता है कहता है चलो ना आइए के दिन और है देखो ऐसा आता है एक दिन किसको यहाँ गिराइए देता है, तो इसी को कहते हैं हासमान फलन, कभी गिर रहा है रुका गिरा रुका गिरा रुका, ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे हासमान फलन, और इसको अंग्रेजी में अच्छा ऐसा नहीं लगता है डिक्रीज मतलब होता है घटना नीचे की ओर घट जाना ना आना और इंक्रीज मतलब बढ़ना, अच्छा ये देखिएगा हाँ ये क्या करता है हाँ ये क्या करता है देखो दसवां में एकदम यहाँ टॉप फ्लोर पे है और ये जैसे इंटर में भड़कते चला गया इसके तरह सोचा भी नहीं है, बोलो ना ये सोचिए क्या कर लिया वो तो नीचे चल ले आया, तो ये क्या किया ये जान रहा है जब वो सोचा कुछ होवे नहीं किया तो हम सोचेंगे तो क्या होगा, इसीलिए सीधे दोस्त एक साथ घूमते फिरते रह गया, कहता है ना दीदी होता तेज है पढ़ने में उसका नौकरी नहीं लगा तो मेरा नौकरी कहाँ से लगेगा, ये हम सब सोचते हैं कि नहीं जो गलत बात है, तो वही ये सोचा है कि जब ये रुक के सोच रहा था तो उसका कुछ होवे नहीं किया तो मेरा क्या होगा, तो ये इसीलिए क्या किया किसी बात पे ध्यान नहीं दिया सीधे गिरते रह गया चुपचाप, तो इसको हम लोग कहेंगे निरंतर हासमान, निरंतर अच्छा अंग्रेजी में स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फलन लगा दीजिएगा तो फंक्शन समझ में आ रहा है सर।